हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा ग्रेवी मसाला एग बॉम्ब की रेसिपी। चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। चलिए, मैंने अब गैस फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें मैंने बटर डाल दिया है। ये मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं और इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। हम इसे भी डाल देंगे इसमें। देखिए, प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लीजिए। अब मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। अब ये मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, आधी चम्मच छोटी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको मिला दीजिए अच्छे से। इसकी हमें अब ग्रेवी बनानी है। इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ज़्यादा पानी का यूज़ मत कीजिएगा। देखिए, इसको हमें सिर्फ टमाटर को पकाने के लिए सिर्फ पानी का यूज़ करना है। देखिए मसाला अब अच्छे से फ्राई होता जा रहा है। इसमें अब हम नींबू का रस डाल देंगे और इसे मिला दीजिए। गैस ऑफ कर दीजिए। अब आप इसे निकाल लीजिए। ये अब हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा मसाला बनकर रेडी हुआ है ये। अब मैंने पैन रख दिया, गैस फ्लेम ऑन कर दिया। इसमें मैंने बटर डाल दिया है और ये मैंने एक एग डाला है इसमें। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया था। देखिए दूसरी साइड भी मैंने थोड़ा सा बटर लगा लिया है और यहाँ भी एक और एग डाल दिया है। देखिए इसको एक साइड से हमें पकाना है और ये पक चुका है। इसको मैंने निकाल लिया। अब हम पैन में थोड़ा सा बटर डाल लेंगे। आप बटर या घी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बन रख दिया है। देखिए बन हल्के से सिक गए हैं, तो इसको मैंने इस पर मसाला जो हमने बनाया था वो लगा लेंगे। आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए इस पर। देखिए मैंने दोनों बन पर लगा लिया है। अब हम इस पे जो हमने एग बनाया था उसे रख देंगे। देखिए मैंने दोनों साइड एक एक एग रख दिया है। इस पे मैंने ग्रीन चटनी लगा दी है। आप इस पे रेड चिल्ली सॉस भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक चीज़ क्यूब लिया है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, मैंने वो डाल दिया है इस पर। आप चाहें तो इस पर चीज़ स्लाइस भी लग सकते हैं। और इसको हम अब 5 मिनट तक ढककर पका लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है, चीज़ भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। देखिए आप इसे अब टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए। रेडी है हमारा तवा मसाला सुपर डिलीशियस बन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।